नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए आज जानते हैं कि ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो ज्योतिष जगत में खासा महत्व रखता है और जो 2.5 साल में एक बार अपनी राशि को परिवर्तित करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम सुनते ही आम जातकों में इतना भय का माहौल व्याप्त हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। देखिए, शनि ग्रह तो एक कार्मिक प्लैनेट है और काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के नैसर्गिक कारक भी हैं। शनि ग्रह के मूवमेंट की ज्योतिष जगत में इतनी चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक भी है, क्योंकि शनि ग्रह के गोचर का इतना प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है कि वो अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव रहें, थोड़े से भी अलर्ट रहें, तो आप बिल्कुल उस दिन उस घंटे से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को सुबह 9:57 पर अपनी वर्तमान की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी और 28 अप्रैल से कुछ जातकों के जीवन में बहार आने वाली है और कुछ जातकों के जीवन में संघर्षों का दौर शुरू होने वाला है। शनि ग्रह की इतनी महत्ता है और इनके गोचर की इतनी चर्चा होती है कि आप देखें तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, हजारों घंटों की YouTube पर रिकॉर्डिंग होगी शनि देव के गोचर के बारे में। 7.5 या 2.5, ये सब क्या है? ये सब शनि के ही तो गोचर हैं और ये लोगों को बिल्कुल जीवन में इतना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लोगों के जीवन को सहेजना, समेटना और उन्हें एक सही दिशा दिखाना, ये सब शनि देव का काम है। शनि देव से वैसे जातकों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं जो धर्म परायण हैं और जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं। शनि देव दंडाधिकारी हैं और ये न्याय के भी देवता हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे जीवन में संघर्ष लाते भी हैं तो वो हमारे भलाई के लिए ही लाते हैं कि हम उन संघर्षों, उन स्ट्रगल्स से सीखें, लेसन्स लें और लेसन्स को याद करते हुए हम अपने आगे के जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी करें। शनि देव के बारे में देखिए हमने इतनी बातें की, अब एक एक राशियों के बारे में चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाले शनि देव का गोचर जो 29 अप्रैल 2022 को सुबह के 9:57 पर होने वाला है कुंभ राशि में, वो कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके लग्न में ही शनि देव आ रहे हैं। शनि देव जब लग्न में आते हैं तो मैं एक दो फायदे आपको तुरंत गिना दूं कि अगर आपने एक्सरसाइज रेजिम शुरू की हुई है, आपने जिम ज्वाइन किया है, आपने योगा मेडिटेशन का क्लास शुरू किया हुआ है, या आप यूं ही घर पे आप बहुत तन्मयता से व्यायाम करते हैं, तो जो पहले रिजल्ट नहीं आते थे, बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ लेकिन ये जो है वेइंग स्केल पे ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो अब ये जो है वजन मापने वाली मशीन पे ये जो आपकी मेहनत है रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि शनि देव आपको पतला स्लिम ट्रिम करने के लिए आ गए हैं। जब लग्न में शनि देव आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में रहने वाला हो जाता है, उसे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है, जीवन के भाग दौड़ और शोर शराबे से वो खुद को थोड़ा सा काट लेता है, एकांत प्रिय हो जाता है। और बाकी लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये ग्रहों की एनर्जी है, प्लैनेटरी एनर्जी है और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। और आप बताइएगा, आप इस शनि के गोचर को जो आपके लग्न में होने वाला है उसको आप कैसा लेते हैं, उसमें आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए।
यहाँ से शनि देव आपके, हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी रिश्तों में अनबन आ जाए, थोड़ी सी रिश्तों में खटपट शुरू हो जाए, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप बड़े भाई हैं तो आपको ज़्यादा समझदारी दिखानी है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपकी सेल्फ इनिशिएटिव, अगर आप कुछ अपने से स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे थे तो उसके लिए ये समय अनुकूल नहीं दिख रहा। वहाँ स्टार्टअप शुरू करने में आपके प्रयास को उतनी सफलता नहीं मिलेगी अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी एक करके मेहनत करें। अगर इस तरह की आप लगन और इस तरह की मेहनत करते हैं तो एक शनिदेव क्या, नौ प्लैनेट की एनर्जी धरी की धरी रह जाएगी और आपके लिए ये बहुत शुभ रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव उनके द्वादश भाव और लग्न के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं तो एक और जो बहुत अच्छी चीज होने वाली है वो ये कि आपके आय का स्रोत अगर विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, आप MNC ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी भी तरह के आप बिजनेस रोजगार में हैं, जो अगर आप एक्सपोर्टर हैं या आप विदेशी मुद्रा में आपकी इनकम है तो वहां पर आपको बड़े लाभ कराते हुए दिख रहे हैं शनिदेव। ये भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी भी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप किसी भी क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे थे तो वहां पर आपको राहत मिलेगी, आप उस बीमारी को भूल जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिख रहे हैं। ये भी है कि अगर आप अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए दिख रहे हैं, हालांकि ये क्वालिटी हम गुरु बृहस्पति की मानते हैं, पर देखिए आपके लग्नेश हैं शनिदेव और ये आपकी मूल त्रिकोण राशि है अक्वेरियस यानी कुंभ। शनिदेव को बहुत प्रिय राशि है, उनके मूड उनके मिजाज से सबसे ज्यादा आइडेंटिकल है ये राशि और यहाँ पर आकर वो अपने जातकों को आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उन्हें कोऑपरेट करते हैं। अब थोड़े से ओवर इंडल्जेंस से बचिएगा, आपके हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। आपके द्वादशेश भी होते हैं शनिदेव तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा आपको स्वास्थ्य लाभ तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आगे कुछ भी छोटी मोटी परेशानी ना डेवलप हो और आपको किसी भी वजह से वजह बेवजह हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप थोड़ी सी नेगेटिव इफेक्ट जो मैं देख रही हूँ वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। शनि देव यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज हो सकता है। थोड़ी सी आने वाले 2.5 सालों में उन्हें कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ ऐसे परेशान कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में थोड़ी सी संवादहीनता आ जाए या परिस्थिति ऐसी हो जाए कि आप लोग थोड़े से आप ज्योग्राफिकली या मेंटल डिस्टेंस अख्तियार कर लें। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि वहाँ पर आपके स्पाउस ज़्यादा बिजी हो जाएं और अपने कार्य क्षेत्र में वो ज़्यादा व्यस्त होने के चलते आपको कम टाइम दे पाएं। इस तरह की स्थितियाँ पनप सकती हैं, लेकिन आप अपने विचारों से अपने स्पाउस के लिए हमेशा अच्छी फीलिंग्स रखिएगा और उनके प्रॉब्लम्स को समझिएगा, उनकी परेशानियों उनकी पाबंदियों को समझिएगा, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुदृढ़ता आएगी, मधुरता आएगी। और इसके अलावा देखिए तो आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए भी मैं आपको आगाह करूंगी कि वहाँ पर आप थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा अपने पिताजी के स्वास्थ्य का और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपके करियर में एक जो मैं देख रही हूँ कि आशातीत जो आप एक उछाल चाह रहे हैं वो जरूर मिलेगी, लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन की वो नहीं होगी, आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता था। तो इस तरह की स्थिति देखिए, आपके लग्नेश हैं शनिदेव आपके लिए जब जो चाहिए वो हाजिर करते हैं, लेकिन वही है कि शनिदेव भले डिले कर दें पर डिनाई कभी नहीं करते। मैं अपने हर वीडियो में जितनी भी बार मैं शनिदेव पर वीडियो बनाती हूँ तो आप देखिए, खास करके आपके लग्नेश हैं तो आप एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो चाहते हैं शनिदेव आपको वो ला कर देंगे, लेकिन समय उनका रहेगा और प्लेस उनका रहेगा। जैसे एक किसी पुरानी बॉलीवुड मूवी का ये डायलॉग था, बस वैसे ही शनिदेव हैं, थोड़े बॉसी हैं, थोड़े कार्मिक प्लैनेट हैं, अपनी शर्त पर चीज़ों को करते हैं, आपके कर्मों को अच्छे हों या बुरे।
दोनों तरह के कर्मों को कभी नहीं भूलते हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, और आपने अगर कोई भी पुण्य कर्म किए हैं तो हो नहीं सकता कि शनिदेव आपको उसके बिना सुखों को दिए हुए, उसके सारे आपने जितने भी अच्छे कर्मा किए हैं उसको बिना भोगे हुए आपको इस धरती से जाने नहीं देंगे। तो ये रही आपकी कुंडली और आपके पर्सनल चार्ट पे किस तरह की स्थिति बनाते हैं शनिदेव। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है। आज की वीडियो में इतना ही, चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।